एक्टर संजय दत्त ने अपनी जिंदगी का राज दुनिया को बताया। इसके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए तो अभिनेता ने अपनी दास्तां युवाओं को बताई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में श्री श्री रविशंकर द्वारा ड्रग फ्री इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर एक्टर संजय दत्त, कॉमेडियन कपिल शर्मा, सिंगर गुरदास मान और रैपर बादशाह मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों के बातचीत करते हुए संजय दत्त ने कहा कि मेरी जिंदगी में एक बड़ी गलती थी नशा करना। मैंने नशे की लत के चलते निजी जीवन में बहुत कुछ खोया। मैं बदहाली की कगार पर पहुंच गया था। संजय दत्त ने कहा कि लेकिन जैसे हर किसी को एक मौका मिलता है, मुझे भी मिला। फिर मैंने सोच समझकर एक बड़ा फैसला लिया। मैं वो सही फैसला ले सका जिससे मेरे जीवन की बदहाली खत्म हुई। उन्होंने कहा कि वह ड्रग भी फ्री इंडिया अभियान से जुड़कर वह युवाओं को नशे की कुरीति की तरफ जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि समय रहते गलत व सही की पहचान करें। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए नशा कोई हल नहीं। वास्तविक नशा तो खुद की काबिलियत का कला है। अंदरूनी संतोष से बढ़कर दुनिया में कोई नशा नहीं है। अपने काम और करियर का जुनून इस कदर होना चाहिए कि नशे की जरूरत ही ना रहे। हमारी संस्था युवाओं को यही संस्था तलाशने और उनके माता पिता को इन हालातों से जूझने में मदद करेगी। ड्रग फ्री इंडिया मुहिम और घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पंजाबी गायकी की बाबा बोर्ड कहे जाने वाले गुरदास मान ने ड्रग फ्री अभियान से जुड़ती हुई युवाओं से कहा कि शुरू में भले ही कोई समस्या बड़ी लगे, लेकिन समय के साथ हम उससे लड़ने और उससे जीतने की हासिल करने की काबिलियत हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त कला का माहिर होने के बावजूद नशे की जंग में हार कर बेवक्त दुनिया में चला गया। ड्रग फ्री अभियान से जुड़ते हुए कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने अंदाज में नशे को बीमारी बताते हुए युवाओं में आह्वान किया कि समय पर इसका इलाज कर लेना जरूरी है। कपिल ने युवाओं से कहा कि अपने और अपने परिवार की खातिर नशे को ना करना होगा, तभी पंजाब और देश के युवा दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।